सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मोटो G71 5G का रिव्यू। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये डिवाइस कैसा चल रहा है, क्योंकि हमें इस डिवाइस को यूज़ करते हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि ये फ़ोन में मतलब क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छा है, क्या गंदा है, इसके बारे में मतलब क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोज हैं इसके। सबसे पहले कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी चीज़ 4K नहीं चल सकता। अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो आप मतलब कि 4K में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इससे कुछ भी चीज़। ओके, और जो इसका सेकंड है कि आप इसमें ना तो कोई ऐप हाइड कर सकते हैं, ना ही किसी के अंदर किसी का ऐप लॉक लगा सकते हैं, ना ही अपनी फ़ोटो वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं गेमिंग। इसमें इसके अंदर जो है गेमिंग कैसा होता है, तो पबजी और BGMI के अंदर सिर्फ इसके अंदर 40 FPS आपको इन गेम सेटिंग देखने को मिलेगा, जिसको कि आप GFX टूल की मदद से 60 FPS कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप कॉन्फ़िग्स वगैरह लगाते हो अपनी गेम के अंदर, तो कॉन्फ़िग लगाना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कॉन्फ़िग आपकी गलती से लग जाएगी तो आपकी कॉन्फ़िग मतलब कि कुछ अलग सा ही हो जाएगा। मतलब अगर ब्लैक बोर्ड कॉन्फ़िग लगाओगे तो मतलब कुछ अलग सा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फ़ोन को पबजी मोबाइल लाइट के पर्पज़ से ही खरीद रहे हो तो बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि जो है इसका जायरोस्कोप काम नहीं करता है। अगर आप जायरो से खेलते हो तो फिर आपको फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप जायरोस्कोप से खेलते हो तो इसमें पबजी मोबाइल लाइट का जायरोस्कोप काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पबजी मोबाइल और BGMI के अंदर ही जायरोस्कोप काम करेगा। तो ध्यान से सुन लें कि पबजी मोबाइल लाइट के अंदर इसका जायरोस्कोप काम नहीं करता। अब इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कैमरा है इसका कैसा है। तो भाई कैमरा इतना खास बिल्कुल नहीं है, कुछ खास नहीं है कैमरे में। मतलब स्लो मोशन तो इतना बेकार है कि आप बोलोगे कि क्या खरीद लिया मैंने, ठीक है ना। स्लो मोशन है, सिर्फ टाइम लैप्स थोड़ा ठीक लगा मेरे को, और बाकी जो फोटोज़ वगैरह आती हैं फोटोज़ ठीक निकाल लेते हैं। भाई नाइट में तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता है इसके कैमरे का, तो मतलब कैमरा अच्छा नहीं है। लेकिन मैं इसके कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब ले रखा है तो यूज़ तो करना ही है। मैं इसके कैमरे की जगह जो है GCam का यूज़ करता हूँ। GCam से जो है नाइट मोड और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो GCam के ऊपर बनाऊँ कि मैं कौन सा GCam यूज़ करता हूँ और GCam को आप अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में कि इसका बैटरी कैसा चलता है। तो इसका बैटरी जो है पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी इसको 7 से 8 महीना हो गया है, तो शायद इसलिए इसका बैटरी मेरे को अब थोड़ा सा फील हुआ है कि जैसे थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पर जैसे फील होने लग गया है अब कि थोड़ा बहुत जैसे डाउनग्रेड हो रहा है। इसका रीज़न जैसे एक तो इसका रीज़न है कि 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, तो जल्दी चार्ज हो जाता है, और जिसके कारण शायद बैटरी पे कुछ फ़र्क पड़ा है। तो शायद इसलिए मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है कुछ दिनों से कि बैटरी थोड़ा सा जैसे कम चल रहा है। बाकी चल ठीक रहा है, मतलब और फ़ोन के मुकाबले बहुत अच्छा चल रहा है, पर थोड़ा सा मेरे को फील हुआ कि थोड़ा सा जैसे डाउनग्रेड हो गया है। तो इसके कॉन्स के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली कि इसके अंदर क्या क्या नहीं चलता, क्या क्या चीज़ है। तो अब इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है, ये क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसमें खासियत सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो ही हैं बस। एक तो जब फ़ोन को हिलाओगे तो इसका टॉर्च जल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी मतलब कि जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है, क्योंकि 5G है, मेरे दोस्त के पास iPhone X है, कई बार उसका नेटवर्क नहीं आता है, मेरा नेटवर्क अच्छा चल जाता है। तो बस यही है कि इसका खास बात कि इसमें नेटवर्क ठीक से चल जाता है, बाकी और मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं गेमिंग करता हूँ, तो मैं कॉन्फ़िग फाइल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। और पबजी मोबाइल लाइट के पर्पज़ से मैंने इसको लिया था, जायरोस्कोप देखा था कि जायरोस्कोप वहाँ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी जायरोस्कोप काम नहीं कर रहा गेम के अंदर। तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। अगर मेरे से कुछ छूट गया है या कुछ आपको और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो एक डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ जानना है या कुछ भी पार्ट मुझसे मिस हो गया, कुछ और चीज़ भी मैं बता सकता था वो मैं नहीं बताई, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है अपना फेस को भी रिवील कर दिया है, बस कर दिया है। आज बस मूड बना था तो फेस भी रिवील कर दिया है, तो आप बता सकते हो कि मैं कितना बेकार दिखता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।